शीतकालीन सत्र के लिए कांग्रेस ने तैयार की रणनीति, नेता विपक्ष बने रहेंगे खड़गे। पति को धीमा जहर देकर मारा, प्रॉपर्टी के लिए प्रेमी के साथ रची साजिश, सास की मौत भी ऐसे ही हुई थी। एमपी में भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन, राहुल के रास्ते में महिलाओं से की बात, शाम को राजस्थान में प्रवेश करेगी यात्रा। बाइडेन सरकार पर आरोप, भारतीयों को दे रहे स्पेशल ट्रीटमेंट, मेनस्ट्रीम मीडिया के लिए भारत से जुड़े मुद्दे प्रमुख। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर पेले की हालत गंभीर, हॉस्पिटल में इलाज जारी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। शनिवार शाम को आए सीएम योगी आज महानगर में विभिन्न कार्यक्रम में शामिल होंगे, साथ ही 950 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। गोरखपुर में 90वां महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक सप्ताह समारोह में मुख्य अतिथि पूर्व एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, केसरिया ध्वज फहराया गया। सीएम योगी व वायुसेना के पूर्व एयर चीफ मार्शल भारतीय वायुसेना नई दिल्ली आर के भदौरिया व उनकी पत्नी ने महाराणा प्रताप के चित्रों पर माल्यार्पण किया। कांग्रेस नेता नीरज प्रजापति की भतीजी करुणा प्रजापति का विवाह शुक्रवार रात को यहां सीएमडी हॉल में संपन्न हुआ। दुल्हन को हेलीकॉप्टर से ससुराल विदा किया गया। हेलीपैड हापुड़ रोड स्थित गांधी मैदान में बनाया गया। तमाम सामाजिक व राजनीतिक लोग इस शादी के गवाह बने। बुलंदशहर जिले की स्याना तहसील के केशोपुर सटला निवासी राजकुमार के बेटे सुनील कुमार प्रजापति पेशे से प्रॉपर्टी डीलर व अधिवक्ता हैं। वह नोएडा में प्रैक्टिस करते हैं। सुनील कुमार की शादी मोदी नगर के भूपेंद्रपुरी कॉलोनी निवासी अशोक की बेटी करुणा से हुई थी। सोनभद्र में पुलिस अधीक्षक ने नशे के खिलाफ बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि वहीं रेणुकूट नगर स्थित रामलीला ग्राउंड में मादक पदार्थों के सेवन और नशे की बढ़ती लत को देखते हुए जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया। मादक पदार्थों की तस्करी और इससे जुड़े लोगों के बारे में सूचनाएं देने की अपील की गई। इस मौके पर ईआर हेड परनीत सिंह, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी यशवंत कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रेणुकूट में नशे के विरुद्ध एक बड़ा मुहिम शुरू किया गया है। इसमें हिंडालको जो हमारी फैक्ट्री है उसका इसमें साथ है पुलिस के, और एक इसमें एनजीओ भी है। इसमें पुलिस ने, प्रशासन ने और हिंडालको की फैक्ट्री ने मिलकर एक नशे के विरुद्ध, जो जितने भी नारकोटिक पदार्थ हैं उनके विरुद्ध एक मुहिम जारी की है, जिसका एक पहला चरण है। आज से इसकी शुरुआत की जाएगी, जिसमें आगे भी लगातार जो है इसमें बिल्डिंग भी एस्टेब्लिश की जाएगी, और जो नशे से प्रभावित लोग हैं और जो नशा कराने वाले लोग हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा पुलिस के द्वारा, और जो नशे से प्रभावित हैं, पीड़ित लोग हैं, उनकी काउंसलिंग की जाएगी, उनको प्रॉपर इलाज दिया जाएगा और उनके जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका निदान कराने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ से रामलीला मैदान उनका जो है वहाँ पर चल रहा है जुलूस, और जैसे हमारे एस पी साहब ने कहा, सर ने कहा कि सोनभद्र को हमें नशा मुक्त करना है। शुरुआत यहाँ से हिंडालको ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है एनजीओ के साथ मिलके, और जैसे सर ने कहा कि हम जितनी भी यहाँ पे कंपनीज़ हैं, एनसीएल है, एनजीपीसी, जो भी, इन सब से समग्र करके और कोशिश करेंगे कि नशा मुक्ति हो जाए। पुलिस की तरफ से भी कोऑपरेशन रहेगा, बाकी प्रशासन भी साथ में रहेगा, और जिससे कि हमारे जो युवा हैं जो डाइवर्ट हो रहे हैं नशा की तरफ, उसका हम निदान कर सकें और एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। हमारा एक प्रयास है हिंडालको की तरफ से
जैसे हम लोग आप जानते हैं यूथ को हमको उनको एम्प्लॉयमेंट, उनको स्किल डेवलपमेंट करना है, उसके प्रयास में तो हम लोग 2-3 प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं। और उसके अलावा भी जो नशा मुक्त कार्यक्रम से क्या देश का उद्धार होता है, और जो लोग ऑलरेडी ड्रग एडिक्ट है उनको रिहैबिलिटेट करके उनको वापस अपना मेन स्ट्रीम में लाना है, इसके लिए हिंडाल्को का हमारा एक छोटा प्रयास है और हम चाहते हैं कि ये पूरा सोनभद्र में चले और पूरा यूपी में चले। संबल में दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर जमकर मारपीट हुई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू की। लंबे समय से गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था के लिए गांव में पुलिस बल मौजूद है। आपको बता दें कि एक पक्ष ने प्रधान के खिलाफ शिकायती पत्र जिला अधिकारी को दिया था। वहीं शिकायती पत्र के आधार पर जिलाधिकारी ने टीम गठित कर जांच के लिए गांव भेजी, जिसके बाद दोनों पक्षों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना रजपुरा क्षेत्र के जलालपुर टांडा का पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? लालता प्रसाद उर्फ लक्ष्मी। क्या मामला है ये आपके विरोध निकला, क्या मामला था ये? 1.5 महीना पहले मैंने शिकायत दी प्रधान के खिलाफ। अच्छा। और शिकायती पत्र में भी लिखो मैंने कि प्रधान दबंग आदमी है, मार भी पीट भी धमकी लगाता है। अच्छा। लेकिन आज को जांच की टीम आई वहाँ पे आ गए, उन्होंने जांच की नेक सिलसिला जारी करो, तब तक उन्होंने आए के गाड़ी तो पीछे रहेगी, हम आगे आ गए, उन्होंने घेर के पकड़ के मारिए, सरिया मारी है यहाँ पे। अच्छा। चोट कहाँ कहाँ है आपकी? गुम चोट कहाँ कहाँ है? गुम चोट तो और शरीर में है लेकिन जिस सिर में खुल गई है। कितने लोग थे? क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। ये मारपीट हुई है लक्ष्मी लालता प्रसाद से, क्या मामला है? मामला ये है कि टीम गठित करवाई इन्होंने, टीम गठित करवाने के वो दबंगई दिखा रहे हैं, पहले ही धमकी दे चुके हैं, उसके बाद हम फिर धमकी दे रहे हैं। आज इन्होंने घेर के बांध पे टीम पीछे रह गई, उसके बाद उन्होंने अपना मौका पाके हमला कर दिया इन लोगों पे। अच्छा, तो ये कौन लोग हैं, इन्होंने हमला किया है? ये पप्पू है, पप्पू प्रधान पति, और उसका रिश्तेदार है वो साला लगता है चंदू लंगड़ा का, क्या नाम, लाला, और ये वो है सतीश, और ये गौरव विजय पाल है। तो इन लोगों ने साथ मारपीट की, शिकायत करता हूँ लोगों के साथ मारपीट यही करिए। संबल में वर्तमान ग्राम प्रधान की दबंगई सामने आई है। आपको बता दें कि राशन डीलर के प्रस्ताव की जांच पड़ताल करने टीम पहुंची, जहां ग्रामीणों ने पथराव किया। वर्तमान ग्राम प्रधान पक्ष के विरुद्ध थे। सभी ग्रामीण पुराने राशन डीलर के पक्ष में समर्थन व्यक्त करने से पूर्व ग्राम प्रधान नाराज हुआ था। इस मामले में गाँव में हड़कंप मचा हुआ है और साथ ही पथराव भी हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये पूरा मामला गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के गांव उदयभान का बताया जा रहा है। रायबरेली में विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर बछरावा ब्लॉक प्रांगण में विकलांग संगठन के अध्यक्ष अमित पांडे द्वारा भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के मुखिया को पेंशन बढ़ोतरी के लिए सभी दिव्यांगों ने धन्यवाद दिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सदर विधायिका आदित्य सिंह और विशिष्ट अतिथि किसान यूनियन भानु के जिला अध्यक्ष ऋषि मिश्रा मौजूद रहे। आपको बता दें कि मुख्य अतिथि ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि बिना किसी देश जातिवाद के समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं को पहुंचा सके, प्रत्येक लाभार्थी को लाभान्वित कराया जाए। जिला अधिकारियों को दिव्यांग जनों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए निर्देशित भी किया। रायबरेली में स्कॉर्पियो सवार 5 दबंगों ने मोटरसाइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी। दबंगों ने मोटरसाइकिल की डिग्गी में रखे 1,00,000 निकाल लिए। विरोध करने पर बाइक सवार युवक की जमकर धुनाई कर दी। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा मामला एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरदासपुर स्थित शारदा नहर के पास का है। क्या हुआ मामला? रायबरेली आए थे, हाँ, पैसा लेके, मतलब वहाँ पैसा लिया हमने, यहाँ हमने मामा सी ओ मामा थे, यहाँ धान दिया, घर का धान दिया, वहाँ पैसा लिया 1,00,000 रुपया। हमने कहा हमको 1,00,000 रुपया दे दो, बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा ठीक, तो हमको 1,00,000 रुपया दिया। दो गड्डी थी 50-50 हज़ार की,
500 की थी, दो गड्डी दिया, 1 लाख दिया। यहाँ आए, रायवेली आए, रायवेली में पेट्रोल पंप पे तेल दिलाया, तेल दिलाने के बाद मेरे पीछे एक अल्टो लगी, अल्टो टिपला तक गई, टिपला के बाद अल्टो नहीं लगी, उसके बाद एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो मेरे पीछे लग के वही लोग मारा, लूटपाट किया। रायबरेली में मुख्य चौराहे पर कस्बा निवासी एक बुजुर्ग को अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच में जुट गई। ये पूरा मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के नगर के चौराहे का बताया जा रहा है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जहां मामूली बात को लेकर हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देने के पीछे नहीं हटते। ताजा मामला नॉर्थ जोन का है, जहां आपसी विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, वहीं दो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना में शामिल एक आरोपी को अलीगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरदोई में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विद्युत कर्मी कार्य बहिष्कार कर रहे। बिजली कर्मी के कार्य बहिष्कार के कारण उपभोक्ताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। धरने में कर्मचारियों ने कहा कि उच्च प्रबंधन उपभोक्ताओं के बीच विद्युत विभाग की नकारात्मक छवि प्रस्तुत करने के लिए बीते दिनों त्योहारों के दौरान भी संयोजक काटने के निर्देश दिए, जिससे विद्युत कर्मियों की उपभोक्ताओं व जनप्रतिनिधियों से छवि खराब हुई है। मंत्री हमारी मांगे हैं और हर मांग हमारी क्या बिल्कुल जनता से जुड़ी हुई मांगे हैं। 29 तारीख से प्रदर्शन, तो ये हमारा जो है 1 महीने से लगातार हम सचेत कर रहे हैं ऊपर प्रबंधन को कि हम इस स्थिति में ना आ जाएं कि हमें दरी पर बैठना पड़े। विगत अक्टूबर से हमारी ये लगातार प्रयास रह रहा है कि हर बार वार्ता की तरीके से किसी भी स्थिति में कि हम प्रबंधन हमारी बात को सुन ले, समझ ले, जान ले कि हमारी दिक्कतें क्या हैं। जब अति हो गई तो हम लोग 29 तारीख से लगातार अपने कार्यों को छोड़कर, क्योंकि उन कार्यों को करने से क्या फ़ायदा जो समाज के हित में ना हो पाए, हम इन कार्यों को छोड़कर अब दरी पर आने पर मजबूर हो गए और लगातार 29 तारीख से हमें आज ये 5वां दिन है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।